कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में दो बड़ी अपडेट्स आपके लिए लेकर आया हूं। राजस्थान में कॉलेज परीक्षाओं को लेकर फॉर्म से संबंधित में दो तीन बड़ी अपडेट्स हैं। एक एक करके आपको दोनों बड़ी अपडेट्स आपको मैं साझा करने वाला हूं, पढ़कर दिखाने वाला हूं। लेकिन उससे पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि सबसे पहले और सबसे स्टीक हम आप तक अपडेट पहुँचाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पूरी अपडेट आपको आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही होगी। सबसे पहली बड़ी अपडेट देखिए, सबसे पहले अपडेट आ रही है परीक्षा फॉर्म को लेकर। देखिए, एमडीएस यूनिवर्सिटी के परीक्षा कार्यों के लिए दिए जाने वाले टेंडर का विवाद खत्म हो गया है। हाईकोर्ट ने लखनऊ की फर्म की याचिका खारिज कर दी है। साथ ही एमडीएसयू प्रशासन से कहा है कि छात्र हित में जल्द से जल्द परीक्षा आवेदन भराने का काम शुरू कराया जाए। लखनऊ की जिस फर्म को ठेका मिला था वह ब्लैक लिस्टेड थी, लेकिन यह तथ्य छिपा लिया यूनिवर्सिटी ने ठेका रद्द कर दूसरी फर्म को सौंपा था। लखनऊ की फर्म ने इसी के स्टे लिया था। हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि फॉर्म जो फर्म है को यूनिवर्सिटी ने सुनाई को फॉर्म मौका दिया जाए, याचिका गलत पाई गई। कार्यवाह कुलपति ओम थानवी ने बताया कि कोर्ट के आदेश के बाद अब परीक्षा आवेदन जमा रोकने का काम जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा, यानी आवेदन परीक्षा फॉर्म के स्टार्टअप जल्द से होने वाले हैं। तो ये सबसे पहली बड़ी अपडेट। अब एक और बड़ी अपडेट आ रही है यूनिवर्सिटीज में ओपन होने को लेकर, कॉलेज ओपन होने को लेकर, वो भी अब तक मैं साझा करता हूँ। चलिए नेक्स्ट अपडेट में डाउट है किसी कंसेप्ट में, बोर्ड में, जेई नीट में, तो घबराएं नहीं, आ गया है फिलो ऐप, जिसकी मदद से आप कुछ ही सेकंड्स में अपने डाउट्स को दूर कर सकते हैं विद इन 3 इजी स्टेप्स। करना क्या है, सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाकर फिलो सर्च करना है। फिलो सर्च करने के बाद फिलो ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और अपने मोबाइल नंबर से साइन अप कर लीजिए। जैसे ही आप ये करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। आप अपने क्वेश्चन की फोटो या फिर क्वेश्चन टाइप करके आप सबमिट कर दीजिए। फिलो आपकी कॉल एक्सपर्ट से कनेक्ट कर देगा। मैं कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर, आप अपने डाउट्स को दूर कर सकते हैं कुछ ही सेकंड्स में। ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये देखिए कल की अपडेट्स है। कल मैं ये वीडियो नहीं बना पाया, चलिए आज मैं बता देता हूँ। यूनिवर्सिटीज़ में आज से सेशन शुरू होना था, लेकिन अभी परीक्षा पर फैसला नहीं। कोरोना से यूनिवर्सिटीज़ का एकेडमिक कैलेंडर पूरी तरह बिगाड़ गया है। आलम यह है कि गुरुवार से जहाँ नया सेशन शुरू होना था, वहाँ पिछले सेशन की परीक्षाओं पर भी सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया। सरकार की बनाई कमेटी ने 10 जून को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। 22 जून को सीएम व शिक्षा मंत्री ने मीटिंग भी ली। मीटिंग के बाद उस शिक्षा विभाग ने यूजीसी को भी पत्र लिखा था, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं आया। ऐसे में 20 लाख छात्रों में असमंजस की स्थिति है। एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार यूजी सेकेंड, थर्ड और पीजी फाइनल ईयर की क्लासेज 1 जुलाई से शुरू होनी थी। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा सचिव NL मीणा का कहना है कि अब यूजीसी से जवाब नहीं मिला है। अब जैसे ही यूजीसी से जवाब मिलेगा तभी सरकार अंतिम फैसला ले पाएगी, उससे पहले कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। तो ये दूसरी बड़ी अपडेट आप तक मैंने साझा की है। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, सबसे पहले आप तक अपडेट पहुंचाते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।